यस हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग हेलो एवरीवन दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्या मुझे बोलो एम ए ऑडिबल दोस्तों हेलो एम ए ऑडिबल एक सेकेंड रुको मुझे चेक करने दो यस yes. आपको मेरी आवाज, आवाज आ रही है चलो ओके okay. एकदम परफेक्ट है तो आ, मेरा ऑडियो क्लियर है बच्चों आई होप आप सभी लोगों को मैं भी अच्छे से दिखता रहूंगा और स्क्रीन वगैरह सारी चीजें वहां पे अच्छे से आपको दिखती होगी ठीक है चलो सो so, देखो यार आ, सबसे पहले वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग आई होप दोस्तों आप सब लोग वहाँ पे बहुत अच्छे होंगे और आ, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने वहां पे यस गुड मॉर्निंग साई गुड मॉर्निंग राज गुड मॉर्निंग रोहिणी गुड मॉर्निंग शिवम ओके गुड मॉर्निंग शबनम चलो तो पहले मुझे ये बात बताओ दोस्तों आप लोग कि जितना भी कल मैंने वहाँ पे आप सभी लोगों को सिखाया था ठीक है देखो कल मैंने वहाँ पे आप सभी लोगों का जो पहले वाला चैप्टर था कौन सा उसका क्या नाम था मुझे बोलो आप इंट्रोडक्शन टू वहां पे क्या था मुझे बोलो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड Introduction to क्या था मुझे बोलो है ना तो ये पहले जो अपना था, वो मैंने आपको जैसे बोला गाइस कि आप सभी लोगों का उसका जो एक्सरसाइज है वो आपको वहां पर सोल्व करना था ठीक है तो मुझे एक बात बोलो क्या इसका एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व किया क्या घर पे जाके मैंने आपको बोला था इसका एक्सरसाइज करने के लिए याद आ रहा है आप लोगों को शबनम साई रोहिणी प्लीज सब लोग मुझे चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स करोगे ओके मुझे एक बात बोलो क्या इसका एक्सरसाइज आप लोगों ने सॉल्व किया क्या मुझे बताओ यस और नो अच्छा ठीक है तो आ, यस आई होप आप सभी लोगों ने अच्छा साई आया क्या बेटा तुझे वो करते रोहित ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का लेक्चर साढ़े ग्यारह बजे होगा बेटा ओके साई किया बेटा तूने उसको शिवम राज सब लोगों ने किया उसका एक्सरसाइज यस और नो ठीक है जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा प्लीज आज आप उसको कंप्लीट कर देना ठीक है समझ में आया मैं आपको आगे पीछे कभी भी जब भी पॉसिबल होगा तब इसका अलग से वीडियो बना के आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा वो वहां पे अपलोड कर दूंगा ठीक है एक्सरसाइज का ओके चलो तो आज है ना बच्चों अभी देखो आज से वहां पे हम सभी लोग आप सभी लोगों का जो सेकेंड वाला चैप्टर है जिसका नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कौन सा मुझे बोलो मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का क्या कर रहा हूँ बोलो स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो प्लीज अच्छे से ध्यान देना ठीक है मैं सेकंड वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्लीज अच्छे से ध्यान देना ओके अभी देखो दोस्तों ये जो चैप्टर है ना बेटा ये चैप्टर में यहाँ पे हम सभी लोगों को मतलब एग्जेक्टली exactly देखो हम लोगों को जब भी वहां पे अकाउंटिंग करना है बरोबर -बर, तो यहाँ पे अकाउंटिंग करते समय वहां पे हम सभी लोगों को क्या करना पड़ता है बहुत सारे रूल्स है या बहुत सारे जो चीजें है वो हमको यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है ठीक है तो आप सभी लोग वहां पे क्या करोगे बच्चों ये सारी जो चीजें है ना इसके ऊपर आप बहुत 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 अच्छे तरीके से क्या करोगे बोलो ध्यान दोगे समझा देखो ये चैप्टर के ऊपर ही वहां पे आपके जो आने वाले चैप्टर है वो डिपेंडेंट है तो प्लीज ये चैप्टर को आप सभी लोग वहां पे अच्छे से ध्यान देना ठीक है ना समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ राइट और मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों कि मैंने आप सभी लोगों के लिए वहां पे एक अलग से व्हाट्सएप का ग्रुप बना के रखा हुआ है तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक उसके ऊपर कनेक्टेड नहीं हुए हैं वो प्लीज सारे स्टूडेंट्स वहां पे ज्वाइन हो जाना और ज्वाइन होने के लिए आप सभी लोगों को बस क्या करना है दोस्तों तो आ, मेरा जो व्हाट्सप का नंबर है ठीक है मैं आपको दे रहा हूँ अभी तो वो नंबर के ऊपर बस आप सभी लोगों को वहां पे क्या करना है दोस्तों तो वहां पे आप सभी लोगों को नंबर के ऊपर बस हाई सेंड करना है ओके okay, और साथ साथ में कुछ चीजें वहां पे आप सभी लोगों को सेंड करनी है एक सेकंड रुक जाओ तो मैं आप सभी लोगों को बोल देता हूँ कैसे करना है उतना ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप का ग्रुप मतलब वहां पे कैसा है कि आपको जो भी लेक्चर्स के वगैरह अपडेट है वो जो सारी चीज है वो वहां पे आपको मिल जाएगी ठीक है समझ में आया है? मैंने आपको क्या बोला क्या हुआ यार इसको एक सेकेंड बोली हो गए इसको ठीक है चलो जाने दो इस पर ही लिखता हूँ ध्यान देना तो देखो व्हाट्सएप का जो नंबर है ना मेरा ये नंबर है बेटा एट फोर जीरो एट जीरो एट सेवन सिक्स सेवन सिक्स ये नंबर के ऊपर आप सभी लोगों को वहां पे आपका नाम आपका स्टैंडर्ड आपका सिटी और आपका कॉलेज नेम ठीक है ये चार चीज़ें आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा ठीक है ना समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूं अच्छे से ध्यान देना पूरा कॉन्सेंट्रेट करना सो so, देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसका चैप्टर का नाम क्या है मुझे बोलो मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या नाम है बोलो मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग ठीक है अभी देखो कैसे होता है पता है क्या दोस्तों की हम लोगों को जो भी अभी, अभी अकाउंटिंग करना है अभी आप सभी लोगों को इतना तो पता चल गया है ना अकाउंटिंग वगैरह क्या होता है क्या नहीं होता है ठीक है तो देखो जब भी हम लोगों को वहां पे अकाउंटिंग करना है ना बेटा तो अकाउंटिंग करते समय वहां पे हम सभी लोगों को क्या करना पड़ता है तो जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं उसको हमको डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करना पड़ता है कौन से मेथड से करना पड़ता है मुझे बोलो डबल एंट्री सिस्टम से वहां पे करना पड़ता है ठीक है अभी देखो आप सब लोग बोलेंगे सर फिर डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है तो देखो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मतलब एक ऐसा मेथड होगा जिसके अंदर वहां पे आपके जो भी ट्रांजेक्शन है ना तो वो ट्रांजेक्शन में वहां पे पहला जो आपका अकाउंट होगा उसको वहां पे डेबिट किया जाएगा क्या किया जाएगा मुझे बोलो डबल एंट्री सिस्टम में तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दोस्तों वहां पे एक जो आपका अकाउंट होगा तो वो अकाउंट को वहां पे हम लोग डेबिट करेंगे क्या करेंगे मुझे बोलो डेबिट करेंगे और उतने ही अमाउंट से दूसरे अकाउंट को वहां पे हम लोग क्या करेंगे बोलो क्रेडिट करेंगे क्या करेंगे बोलो क्रेडिट करेंगे समझ में आया मैं आपको क्या बोला तो देखो हम लोग जैसे आगे जाके देखेंगे कि बाबा जब भी मुझे वहां पे अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग करने के लिए वहां पे अपने पास दो मेथड्स होते हैं पहला होता है अपना वहां पे डबल एंट्री सिस्टम दूसरा होता है वहां पे अपना सिंगल एंट्री सिस्टम ठीक है बट हम वहां पे जो भी आपका इलेवेंथ स्टैंडर्ड में बोलो या ट्वेल्थ में बोलो जितना भी वहां पे हम लोग अकाउंटिंग करेंगे वो सारी जगह पे वहां पे हम लोग कौन सा मेथड को फॉलो करेंगे बोलो तो वहां पे हम लोग करेंगे डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किसको फॉलो करेंगे बच्चों डबल एंट्री सिस्टम को वहां पे हम लोग फॉलो करने वाले आपको समझ में आया मैंने क्या बोला तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है ना अकाउंटिंग का या बुक कीपिंग का तो ये आपका मोस्ट साइंटिफिक मेथड माना जाता है क्या माना जाता है बोलो मोस्ट साइंटिफिक ठीक है मतलब इसका रीजन ये देखो क्योंकि ना डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वहां पे आपके जितने भी चीजें होती है ना वो सारी की सारी चीजें पे रिकॉर्ड होती है और साथ साथ में डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वहाँ पे अपन जो भी अकाउंटिंग करते अपन बेसिस पे करते कौन से बेसिस पे करते हैं मुझे बोलो एक बेसिस पे कल मैंने वहां पे आपको बोला था ना कि किसी भी चीज का अकाउंटिंग करने के लिए वहां पे अपने पास दो बेसिस होते है जिसमें से पहले वाला जो बेस है वो अपना कैश बेसिस होगा और दूसरा वाला एक होगा कल अपन ने देखा कि नहीं देखा बोलो कल के लेक्चर में तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वहां पे पे अपन अपन जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो कौन से बेसिस पे करते हैं मुझे बोलो तो यहाँ पे हम लोग करते हैं दोस्तों बेसिस पे करते हैं ठीक है और इसी रीजन के वजह से ये जो भी तुम्हारा सिस्टम है ना ये तुम्हारा मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम है कैसा है बोले तुम्हारा मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम है पहली बात इतनी समझी अभी दूसरा आप लोग मुझे एक बात बोलो ठीक है कि मुझे एक बात बोलो जब भी अपन वहां पे अकाउंटिंग करते हैं बरो बरोबर तो अकाउंटिंग करते टाइम वहां पे अपन नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन करेंगे क्या रे मुझे बोलो नॉन मॉनेटरी मतलब क्या ऐसे ट्रांजेक्शन जिसका वहां पे मॉनेटरी टर्म्स में कोई वैल्यू नहीं है तो क्या अपन उसको रिकॉर्ड करते हैं क्या मुझे बोलो नहीं करेंगे समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं यस हाँ तो हमेशा रखना दोस्तों कि अपन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वहां पे जो भी अपन अकाउंटिंग करेंगे

डबल एंट्री सिस्टम जो है ना बेटा एक एक, एक तुम्हारा वहां पे इटालियन मर्चेंट है मुझे बोलो आपे जल्दी से एक इटालियन मर्चेंट है दोस्तों जिनका नाम है वहां पे क्या बोलो लुका डी बार्गो पैसियोली क्या नाम है बोलो उनका लुका डी बार्गो पैसियोली नाम के एक इटालियन मर्चेंट है बच्चों तो वो उसने वहां पे क्या किया बोलो टेंथ नवंबर 1494 ये डेट याद रखना ठीक है ये डेट वहां पे आप सभी लोगों को बहुत काम को आने वाला है हमेशा रखना है आपको एमसीक्यू में भी वहां पे पूछा जाएगा तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का जो इन्वेंशन है वो किसने किया मुझे बोलो तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का इन्वेंशन किया लुका डी बार्गो पैसियोरी नाम के इटालियन मर्चेंट ने इतना समझ में आया क्या और यहाँ पे उसने क्या किया देखो ये जो दिन है ना बेटा कौन सा टेंथ ऑफ नोवर ये जो दिन है ना ये दिन वहां पे एज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे करके सेलिब्रेट करते हैं क्या बोला मैंने ये जो तुम्हारा दिन है कौन सा ऑफ नवंबर 1494 वाला ये वहां पे हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे करके क्या करते हैं बोलो सेलिब्रेट करते याद रहेगा पक्का तो हमेशा याद रखना कि ये जो बार्गो पैसेओली ना दोस्तों लुका डी बार्गो पैसेओली ठीक है तो ये इसने क्या किया बोलो डबल एंट्री सिस्टम जो है जो अपन वहां पे पूरे आने वाले पीरियड में पूरे कॉमर्स में अपन पढ़ने वाले ठीक है ठीके? तो किसने वहां पे लेके आया बोलो लुका डी बार्गो ने वहां पे लेके आया बोलो याद रहेगा पक्का इतना क्लियर है दो चीजें आपको याद रखनी लुका डी बार्गो पैसियोलिन दूसरा कौन सा टेंथ ऑफ नवंबर फोर्टीन नाइनटी फोर ठीक है चलो अभी देखो ये जो तुम्हारा डबल एंट्री सिस्टम है बरोबर तो डबल एंट्री सिस्टम में वहां पे क्या होगा ना

क्रेडिट करेंगे दूसरे को क्या करेंगे बोलो क्रेडिट करेंगे समझ में आया और हमेशा रखना दोस्तों कि जितना भी वहां पे आप सभी लोगों का डेबिट होगा उतना ही वहां पे आप सभी लोगों का क्या होना चाहिए मुझे बोलो क्रेडिट होना चाहिए समझा आपको जितना भी डेबिट है उतना ही आपका क्या होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए ठीक है अभी आप सभी लोग बोलेंगे सर डेबिट और क्रेडिट ये क्या होता है सर तो हमेशा याद रखो देखो आपके वहां पे मैथमेटिक्स में आपका जो मैथमेटिक्स नाम का सब्जेक्ट है बरोबर है क्या तो मैथमेटिक्स में वहां पे प्लस और माइनस कैसे होता है रे होता है कि नहीं होता है मुझे बोलो होता है उसी तरीके से अकाउंट्स की लैंग्वेज में अपन उसको प्लस माइनस नहीं बोलते है. उसको अपन क्या बोलते बोले यहां डेबिट और क्रेडिट बोलते क्या बोलते हैं बोलो डेबिट और क्रेडिट बोलते समझा क्या एस्पेक्ट यहाँ पे कितने होते है? हमेशा बोलो अकाउंट्स में डबल एंट्री के में टू एस्पेक्ट्स होंगे पहला एस्पेक्ट कौन सा होगा डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट कौन सा होगा क्रेडिट होगा इतना याद रहेगा और हमेशा याद रखना बच्चों की जितना भी तुम्हारा डेबिट का टोटल होगा उतना ही तुम्हारा क्रेडिट का भी वहां पे क्या होना चाहिए टोटल होना चाहिए बोलो समझा क्या नहीं समझा पक्का क्लियर है क्या मुझे बताओ ठीक है चलो अभी नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया है यहाँ पे उन्होंने हमको दिया देखो एवरी बिजनेस इन्वॉल्व यहाँ पे देखो टू पर्सन और टू अकाउंट्स और टू पार्टी ठीक है हम अभी देखो यार जैसे जैसे अपन थोड़ा सा आगे जाएंगे ना बच्चों वैसे वैसे आपको कुछ चीजें यहाँ पे क्या होती जाएगी क्लियर होती जाएगी बस इतना याद रखना कि अपन डबल एंट्री सिस्टम के अंदर वहां पे जो भी अपन अकाउंटिंग करेंगे तो वहां पे कितने एस्पेक्ट होंगे दो एस्पेक्ट होंगे उसमें से पहले को हमको क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा दूसरे को क्या करना पड़ेगा बोलो क्रेडिट करना पड़ेगा दूसरे को क्या करना पड़ेगा बोलो क्रेडिट करना पड़ेगा ठीक है अभी देखो अगर आपको एग्जाम में वहां पे अगर पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम क्या पूछा जाएगा अगर आपको वॉट डू यू मीन बाय डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ठीक है तो वो टाइम पे देखो आप सभी लोगों को इतनी चीज याद रखनी क्या याद रखना है देखो तो वहां पे आप लोग लिखोगे रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट ऑफ मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट

बोलते हैं बोले समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं इतना क्लियर है कि मुझे बोले फटाफट डन और नॉट डन बोलो ठीक है अभी देखो दोस्तों प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा मतलब आप लोगों को ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा ठीक है अभी देखो यार कैसे होता है पता है क्या दोस्तों कि हम लोगों को वहां पे जब भी अकाउंटिंग करना होगा प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ठीक है देखो दोस्तों जब भी हमको वहां पे ना अकाउंटिंग करना होगा बरोबर तो अकाउंटिंग करने के लिए ना हम लोगों को वहां पे उन्होंने दो तरीके के अप्रोच दिए हुए कितने तरीके के अप्रोच दिए मुझे बोलो आप दो तरीके के अप्रोच दिए मैं वापस बोल रहा हूं अच्छे से ध्यान देना है सारी जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं है ठीक है समझ में आया मैंने आपको क्या बोला तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे वहां पे अकाउंटिंग करना है तो अकाउंटिंग करने के लिए वहां पे मेरे पास कितने अप्रोच है मुझे बोलो दो अप्रोच होते हैं ठीक है जिसमें से पहले वाला जो अप्रोच है ना वो मेरा होता है वहां पे ट्रेडिशनल कौन सा होता है मुझे बोलो जल्दी से पे पहले वाला ये होता है मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच पहले वाला अप्रोच मेरा होता है ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है और सेकेंड वाला जो मेरा अप्रोच होता है ना वो मेरा वहां पे होता है मॉडर्न अप्रोच सेकेंड वाला अप्रोच कौन सा होता है मुझे बोलो आप जल्दी से मेरा मॉडर्न अप्रोच ऐसे कितने अप्रोच होते हैं बोलो किसी भी चीज का अगर मुझे अकाउंटिंग करना है तो वहां पे मेरे दो अप्रोचेस होंगे इतना समझ में आया पहला रहेगा मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा मेरा कौन सा रहेगा मुझे बोलो मॉडर्न अप्रोच ऐसे वहां पे मेरे कितने अप्रोच रहेंगे बोलो दो अप्रोच वहां पे मेरे रहते इतना समझ में आया क्या अभी देखो दोस्तों जब भी मैं वहां पे आप सभी लोगों के साथ ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूंगा ध्यान देना जब भी मैं आप सभी लोगों के साथ वहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर बात करूंगा ना तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से वहां पे तुम्हारे जो भी आइटम है ठीक है आइटम मतलब क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूं तो मैं बोलता वहां पे जैसे फर्नीचर मैंने परचेस किया तो फर्नीचर एक आइटम हो गया या मैं बोलता हूं कि मैंने समझो किसी के पास से गुड्स को उधारी पे लिया तो जिसके पास से मैंने उधारी पे लिया वो मेरा वहां पे क्रेडिटर हो गया ऐसे बहुत सारे चीजें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले ठीक है देखो दोस्तों आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कर रहा कि आपको तुरंत सब कुछ समझ में आएगा पहली बात तो ये क्लियर रखो ठीक है कैसा है अपन जैसे जैसे लेक्चर में आगे आगे जाएंगे ना वैसे वैसे आप लोगों को आप सारी चीज समझ में आ जाएगी आपकी ये मेरी जिम्मेदारी है ठीक है सिर्फ अब भी आप लोगों को क्या करना है जितना भी मैं आपको आप बोल रहा हूं या जितना भी मैं आपको आपे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ आप लोगों को आपे अच्छे से क्या करना है बोलो ध्यान दे के सुनते रहना है समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ध्यान में कि देखो मैं चैप्टर को आपको जो पे पढ़ाऊंगा ना कभी ऊपर जाऊंगा कभी नीचे जाऊंगा ठीक है बट जब अपना पे चैप्टर पूरा हो जाएगा तब आपको ध्यान में आएगा हाँ सर यहाँ पे सर ने तो सब कुछ वहां पे हमको कवर करवा के दे दिया ठीक है सिर्फ मैं जैसे बोल रहा हूँ वो प्रोसेस के ऊपर ध्यान रखो वो प्रोसेस पे भरोसा रखो उस हिसाब से वहाँ पे पढ़ाई करते रहो समझ में आया मैंने आपको क्या बोला यस और नो मुझे बोलो ठीक है तो देखो अभी प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि जब भी हमको वहां पर किसी भी चीज का अगर अकाउंटिंग करना है बरोबर तो अकाउंटिंग करने के लिए वहां पर मेरे पास कितने अप्रोच होते हैं मुझे बोलो दो अप्रोच होते हैं ठीक है जिसमें से पहले वाला अप्रोच कौन सा होता है मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच होगा और दूसरे वाला अप्रोच कौन सा होगा मुझे बोलो अपना मॉडर्न अप्रोच होगा ठीक है पहले वाला कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा वाला कौन सा मॉडर्न अप्रोच समझ में आया क्या अभी देखो दोस्तों ये जो भी मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है ना हम्म ये जो भी मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है ना राइट तो हमेशा याद रखना ये ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो भी आइटम होता है बराबर है क्या एक तो वो तुम्हारा रहता है रियल अकाउंट क्या रहता है मुझे बोलो रियल अकाउंट रहेगा कोई भी आइटम तुम दुनिया का कोई भी आइटम पकड़ लो ठीक है एक तो वो तुम्हारा क्या रहेगा रियल अकाउंट रहेगा या वो तुम्हारा कौन सा रहेगा पर्सनल अकाउंट रहेगा या कौन सा रहेगा बोलो पर्सनल अकाउंट रहेगा या वो तुम्हारा रहेगा नॉमिनल तुम्हारा क्या रहेगा बोलो नॉमिनल रहेगा इतना समझ में क्या? मैं आपको वापस बोल करना है बरोबर तो वो टाइम पे जो भी आइटम का तुम वहां अकाउंटिंग कर रहे हो वो आइटम एक तो तुम्हारा वहां पे रियल अकाउंट रहेगा या वो आइटम तुम्हारा पर्सनल अकाउंट रहेगा या वो आइटम तुम्हारा अकाउंट रहेगा इतना याद रहेगा कि मुझे बोलो ठीक है और जब भी अपन वहां पे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे तो वो टाइम पे वो जो भी आइटमारा तो रहेगा तो तुम्हारा क्या रहेगा बोलो वो एसेट्स रहेगा या वो तुम्हारा क्या रहेगा बोलो लाइबिलिटीज रहेगा या वो तुम्हारा क्या रहेगा कैपिटल रहेगा या वो तुम्हारा क्या रहेगा इनकम रहेगा या वो तुम्हारा क्या रहेगा मुझे बोलो एक्सपेंडिचर रहेगा आपको समझा मैंने क्या बोला प्लीज अच्छे से ध्यान देना देखो दोस्तों मैं आपको जो भी बोल रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सिर्फ ध्यान दो अच्छे से ठीक है ओके मैंने आपको क्या बोला देखो हम लोगों को जब भी अकाउंटिंग अभी अपन एक्चुअल में अकाउंटिंग का काम करने वाले ठीक है तो मुझे एक बात बोलो जब भी अपने को वहां पे अकाउंटिंग करना है दोस्तों तो अकाउंटिंग में वहां पे अपने पास कितने अप्रोच होते हैं मुझे बोलो अकाउंटिंग करने के लिए दो अप्रोच एक कौन सा अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है दूसरा कौन सा अप्रोच मॉडर्न अप्रोच समझा क्या ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से वहां पे जो भी आइटम है दुनिया का कोई भी आइटम आप पकड़ लो एक तो तुम्हारा क्या रहेगा रियल अकाउंट रहेगा या क्या रहेगा पर्सनल अकाउंट रहेगा या क्या रहेगा नॉमिनल अकाउंट रहेगा इतना समझा और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अगर मैं आपके साथ वहां पर बात करूं तो एक तो तुम्हारा क्या रहेगा एसेट्स रहेगा या क्या रहेगा लाइबिलिटी रहेगा या क्या रहेगा कैपिटल रहेगा या क्या रहेगा इनकम बोल सकते हो या यहाँ पे आपने रेवेन्यू बोला तो भी चलेगा ठीक है ज्यादा अप्रोप्रिएट इनकम है और चौथा क्या पांचवा क्या रहेगा बोलो एक्सपेंडिचर रहेगा समझ में आया hmm. इतना याद रहेगा क्या बोलो ठीक है तो देखो अगर आप यहाँ पे थेरी देखोगे ना तो उन्होंने देखो यहाँ पे हमको ये कुछ दिया है मॉडर्न अप्रोच करके तो मॉडर्न अप्रोच क्या रहता अभी समझ में आएगा क्या आपको क्या है करने का एक है ना? तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था एक अप्रोच कौन सा है उसके अंदर का अपना मॉडर्न अप्रोच होता है बराबर है क्या तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से देखो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कंसर्न विद मतलब क्या जो भी आइटम वहां पे बनेगा वो एक तो क्या रहेगा एसेट या क्या रहेगा लाइबिलिटी क्या रहेगा कैपिटल रहेगा? रहेगा। yes. भी भी में आया मैंने क्या बोला मॉडर्न अप्रोच में वहां पे जो भी आइटम है वो पांच ही कैटेगरी में जाएंगे ना तो उन्होंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है कुछ अलग लिखा है क्या मुझे बोलो देखो अभी मैंने आपको ये जो पांच चीजें सिखाई क्या नहीं सिखाई ये बोला के नहीं बोला

एक सेकेंड रुक जाओ बस सुनो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं ध्यान देना बच्चों देखो यहां पे उन्होंने हमको एक मॉडर्न अप्रोच करके वर्ड दिया वर्ड दिया था कि नहीं दिया था तो बोले यहाँ पे अभी देखो ना यहाँ पे उन्होंने मॉडर्न अप्रोच करके वर्ड यूज किया था क्या नहीं किया था तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए नहीं मॉडर्न अप्रोच मतलब क्या रहता बरोबर है क्या नहीं इसीलिए तो मैंने आपको ये बोला ना अभी ये सारी चीजें फिर ध्यान में आया क्या नहीं आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ये क्यूँ यूज किया समझ में आया क्या कूनाल मैंने क्यू यूज किया मैंने ये मैं क्योंकि तुम लोगों को यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ था समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ ओके अभी और आगे जाऊंगा ध्यान देना देखो दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूं कि जब भी मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा प्लीज अच्छे से ध्यान देना गड़बड़ मत करना आराम आराम से सारी चीजें करेंगे जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया आपको सब कुछ समझ में आएगा तो एक लाख तक का सब कुछ समझ में आएगा ठीक है सिर्फ जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो नहीं समझा तो डाउट पूछ लेने का क्लियर है क्या मुझे बोलो और हम लोगों का एक ही टारगेट है दोस्तों कि आप सभी लोगों का जो भी इलेवन का एग्जाम होगा राइट तो उसके अंदर आप लोगों को वहां पे हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क आने चाहिए क्या बोला मैंने आपको वहां पे कितने मार्क आने चाहिए बच्चों वहां पे आप लोगों को सौ में से सौ मार्क वहां पे आप लोगों को सिर्फ आने चाहिए ठीक है तो आएंगे क्या नहीं आएंगे मुझे बताओ सौ में से सौ मार्क आपको आएंगे क्या नहीं आएंगे पढ़ाई करोगे ना पक्का आप लोग उतना क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे उतना पढ़ाई करोगे क्या नहीं करोगे सब लोग मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों बोलो जल्दी से चलो आएगा क्या नहीं आएगा बेटा ट्राई तो करोगे ना देखो कोशिश करोगे तो आ जाएगा कोशिश ही नहीं करोगे तो नहीं आएगा बेटा समझा मैंने आपको क्या बोला ओके बहुत अच्छी बात है चलो सुना मेरी बात अभी देखो बच्चों मैं आप सभी लोगों को ये क्या रहता है ना जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है मॉडर्न अप्रोच क्या होता है वो अपन आने वाले टाइम में वहां पे देख लेंगे ठीक है वो आप, मैं आपको पढ़ा दूंगा उसका टेंशन मत लो लेकिन ना अभी आप लोग पहले इधर आ जाओ मॉडर्न अप्रोच पे ठीक है जितना मैं आपको बोल रहा हूँ ना उतना ही सुनने का ज्यादा आपको कुछ भी डाउट आए तो भी वो आपके मन में ही रहने दो आने वाले दो दिनों के अंदर आपके जो भी डाउट्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ प्रोसेस के ऊपर भरोसा रखो जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर हिसाब से चलते रहो ठीक है अभी देखो दोस्तों बात कैसा होता है पता है क्या बात ऐसा होता है ना कि जो भी आपका ये एसेट्स होता है ना एसेट्स सुनो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ ठीक है जैसे आपको ये पता है ना करेला कैसा लगता है बोलो खाने के बाद करेला जो होता है करेला वो कैसा लगता है कड़वा लगता है बरोबर है क्या नहीं या मैं बोलता हूँ शुगर शुगर, कैसी लगती है नींबू नींबू कैसा लगता है? बोलो, लगता है 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 बोलो खट्टा क्या नहीं तो हर एक चीजों का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या नहीं मुझे बोलो है सर तो उसी तरीके से जो अपने एसेट्स होते हैं ना एसेट्स ये एसेट्स को हमेशा जो बैलेंस होता है ना वो डेबिट बैलेंस होता है कौन सा बैलेंस होता है मुझे बोलो एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है प्लीज सब लोग वहां पे लिख के रखो एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है मुझे बोला हमेशा डेबिट बैलेंस होता है इतना लिखा आप लोगों ने एसेट्स को बैलेंस कौन सा होगा बच्चों डेबिट बैलेंस होगा ठीक है अच्छा जो भी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस होते इसको भी कौन सा बैलेंस रहता है तो इसको भी डेबिट बैलेंस रहता है ये क्यों रहता है वो अपन बाद में देखेंगे सिर्फ अभी आप लोगों को इतना याद रखना है कि एसेट्स और एक्सपेंडिचर को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा इतना समझ में आया मैंने आपको क्या बोला यस और नो और जो आपका लाइबिलिटीज होता है कैपिटल और इनकम है ठीक है ये तीनों चीजों को वहां पे हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है कौन सा बैलेंस होता है मुझे बोलो क्रेडिट बैलेंस होता है समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बताओ यस और नो ठीक है तो अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लो फॉर एग्जाम्पल प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है मान लो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बोला एस पी ओ सी एम का भी आ जाएगा थोड़ा सा सब्र रखो मैंने चार चैप्टर चालू कर दिया आप लोगों के बोला के नहीं कल भी तो बोला था ना मैंने एस पी ओ सी एम के वीडियोस आ जाएंगे करके बेटा मेरे पास प्रीति मैम का मेडिकल इशू है इसलिए वो नहीं पढ़ा पा रही है साल मैं फैकल्टी के सर्च में हूँ वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें मैं भी आपको पढ़ा दूंगा मैंने बोला ना आपको एस पी ओ सी एम के ऑगस्ट से लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे मुझे पता है वो बाकी है मेरे साइड से दे दूंगा उसके लेक्चर थोड़ा रुक जाओ बस ठीक है हाँ, सुनो मेरी बात तो देखो मैंने आपको क्या बोला मॉडर्नोच के हिसाब से कोई भी जो आइटम है बर। एक तो तुम्हारा क्या 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 होगा 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 मुझे बोलो एसेट्स या 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 कैपिटल इनकम होगा या क्या होगा एक्सपेंडिचर होगा, होगा? होगा, होगा? होगा, होगा? होगा बोलो समझ में आया मैंने आपको क्या बोला इतना ठीक है अभी मैंने आपको पे क्या बोला एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर को हमेशा ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो कौन सा होगा मुझे बोलो डेबिट बैलेंस होगा और जो अपने लाइबिलिटीज है कैपिटल एंड इनकम है उसका ओपनिंग बैलेंस कौन सा रहेगा मुझे बोलो आप क्रेडिट बैलेंस रहेगा समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ बताओ हाँ सर हमको इतना समझ में तो आ रहा है ठीक है अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी मेरे पास वहां पे टोटल मिला के दस लाख एसेट के एसेट्स कितने के एसेट्स है मुझे बोलो दस लाख के एसेट्स है ठीक है यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल वहां पे मैंने और दो लाख का फर्नीचर परचेस किया और कितने का फर्नीचर मैंने परचेस किया बोलो दो लाख का फर्नीचर मैंने परचेस किया बोबर अभी आप सभी लोग मुझे वहां पे बताओगे दोस्तों कि जो भी मेरा फर्नीचर है वो भी मेरा एसेट होगा कि नहीं होगा रे जो भी मेरा फर्नीचर है वो भी एसेट होता है कि नहीं होता है होता है एसेट मतलब क्या तो एसेट मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमको आने वाले फ्यूचर में वहां पे हेल्प करेगी बात सही क्या गलत है तो यहाँ पे मैंने अगर दो लाख का फर्नीचर अगर और मैंने वहां पे परचेस किया रहेगा बच्चों तो वो केस में मेरे जो एसेट्स है वो पहले से बढ़ेंगे क्या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे बढ़ेंगे सर बात सही क्या गलत है अभी मुझे आप लोग एक बात बोलो कि एसेट्स को वहाँ पे बैलेंस कौन सा होता है बच्चों तो एसेट को वहां पे अपना हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बरोबर है क्या और जब भी मेरे वहां पे एसेट्स बढ़ जाएंगे तो मुझे वहां पे डेबिट को और बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा अरे सीधी बात है दोस्तों ऑलरेडी ठीक है तो, तो शरबत और खट्टा चाहिए और डालना पड़ेगा ना समझ में है तो वैसे ही अगर मान लो मेरे एसेट्स को अगर डेबिट बैलेंस रहता है और अगर मैं और एसेट्स को अगर परचेस करूंगा तो मेरा डेबिट बैलेंस उतना ही रहेगा कि डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा मुझे बोलो अरे डेबिट बैलेंस उतना ही रहेगा कि बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा समझा के मैं आपको क्या बोल रहा हूं तो हमेशा याद रखना दोस्तों प्लीज अच्छे से ध्यान देना जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि हर एक जो भी आपका वहां पे एसेट होगा या आपका जो भी वहां पे एक्सपेंडिचर होगा उसको हमेशा तुम्हारा कौन सा बैलेंस रहेगा डेबिट बैलेंस रहेगा ठीक है और जो भी तुम्हारे लाइबिलिटीज है कैपिटल है और इनकम इसको हमेशा तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा इतना समझा क्या तो हमेशा याद रखना की जब भी मेरे वहां पे कोई भी एसेट जो है या कोई भी मेरा जो एक्सपेंडिचर है अगर ये मेरा मान लो इंक्रीज होता है या अगर बढ़ता है तो वो केस में मुझे इसको क्या करना पड़ता है बोलो डेबिट करना पड़ता है क्या करना पड़ता है मुझे बोलो डेबिट करना पड़ता है समझ में आया क्या और जब भी वहां पे मेरा लाइबिलिटी है या मेरा इनकम है या मेरा कैपिटल है बरोबर है क्या तो ये तीनों को हमेशा ओपनिंग बैलेंस कौन सा रहता है मुझे बोलो जो भी लाइबिलिटी इनकम या कैपिटल इसको ओपनिंग बैलेंस कौन सा रहता है क्रेडिट रहता है तो जब भी मेरा लाइबिलिटी बोलो या इनकम बोलो या कैपिटल बोलो जब भी ये मेरा इंक्रीज हो जाएगा पहले से बरोबर है क्या तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा रे उसको क्रेडिट करना पड़ेगा आपको समझ में आया मैंने क्या बोला ध्यान में आ रहा है क्या मुझे बताओ जल्दी से क्लियर है क्या तो देखो उन्होंने वही है क्या यहाँ पे देखो कि बाबा वेन एवर बढ़ेगा या कोई भी खर्चा बढ़ेगा तो आप लोगों को इतना तो पता है ना एसेट और एक्सपेंस को हमेशा बैलेंस कौन सा रहता है डेबिट रहता है तो अगर एसेट अगर और बढ़ रहा है या एक्सपेंस अगर और बढ़ रहा है तो मुझे वहां पे क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है और उसी तरीके से अभी देखो सीधी बातें ध्यान देना देखो दोस्तों फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे मेरे पास है ना टोटल मिला के बीस लाख के एसेट्स थे कितने के एसेट्स थे बच्चों मेरे पास वहाँ पे बोलो मेरे पास वहाँ पे बीस लाख के क्या थे बोलो एसेट्स थे ठीक है ओके okay. अभी मैंने क्या किया बीस लाख में से ना वहां पे पांच लाख रुपया का जो मेरा कंप्यूटर था कितने का कंप्यूटर था मुझे बोलो मेरे पास पांच लाख का कंप्यूटर था बच्चों ये पांच लाख के कंप्यूटर को वहां पे मैंने क्या कर दिया बोलो मार्केट में सेल कर दिया बरोबर -बर. तो जब भी मुझे एक बात बोलो कि बीस लाख की इस किस में से अगर मैं पांच लाख का कॉम्प्यूटर अगर वहां पे सेल कर रहा हूं तो वो किस में, में मेरे वहां पे एसेट्स उतने ही रहेंगे क्या कम हो जाएंगे एसेट्स उतने ही रहेंगे क्या बोलो नहीं वहां पे मेरे कम हो जाएंगे अरे समझ में आ रहा है क्या बीस लाख के एसेट्स थे उसमें से पांच लाख के बेचे तो मेरे पास फिर भी बीस लाख ही रहेंगे क्या नहीं मेरे पास तो पंद्रह लाख ही रहेंगे समझा क्या तो मुझे एक बात बोलो एसेट को हमेशा बैलेंस कौन सा रहता है अरे बोलो यार जल्दी से एसेट को हमेशा बैलेंस कौन सा रहता है एसेट को आप बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है सर कौन सा रहता है डेबिट रहता है बरोबर है क्या और ये डेबिट में से अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल अगर कम कर रहा हूं तो एसेट को कम करना है हमेशा याद रखना जब भी मेरा वहां पे डेबिट को मुझे कम करना है तो वहां पे मैं उसको क्रेडिट करता हूं क्या करता हूं क्रेडिट करता हूं समझ में आया क्या हमेशा याद रखना अपने एसेट्स को हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट वाला रहेगा अगर मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं तो मैं उसको डेबिट करूंगा और अगर मेरे यही एसेट्स अगर कम हो रहे हैं तो इसको मैं क्रेडिट करूंगा एसेट्स अगर कम हो रहे तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करूंगा समझा के मैं क्या बोल रहा हूं उसी तरीके से मेरा जो एक्सपेंसेस होता है एक्सपेंसेस को बैलेंस कौन सा होता है मुझे बोलो सब लोग रिस्पॉन्स करो हवले जैसे मत करो फटाफट बोलो मुझे जल्दी से बोलो एक्सपेंडिचर को बैलेंस कौन सा होता है एक्सपेंडिचर को वहां पे अपना डेबिट बैलेंस होता है बरोबर है क्या तो जब भी मेरा खर्चा बढ़ेगा तो मेरा मेरा डेबिट बढ़ेगा तो जब भी मेरा खर्चा बढ़ रहा है मतलब मैं डेबिट करूंगा लेकिन अगर वही एक्सपेंडिचर अगर मेरा वहां पे कम हो रहा है तो मैं क्या करूंगा बोले इसको क्रेडिट करूंगा अरे समझ में आया क्या देखो दोस्तों सीधी बात है करेले को अगर आपको मीठा करना होगा तो शक्कर डालनी पड़ेगी मतलब अपोजिट काम करना पड़ेगा क्या नहीं उसी तरीके से अगर मान लो पे आपको अगर डेबिट को कम करना है एक्सपेंडिचर का जो ओरिजिनल बैलेंस होता है एक्सपेंडिचर को ओरिजिनल कौन सा बैलेंस होता है डेबिट होता है बरोबर ना बट बर जब मुझे डेबिट को कम करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा समझा क्या जब भी मुझे डेबिट को बढ़ाना है जब भी मुझे डेबिट को बढ़ाना है तो मुझे वहां पे डेबिट करना पड़ेगा अगर मुझे डेबिट को वहां पे कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो क्रेडिट करना पड़ेगा अरे समझ में आ रहा है क्या मैं आपको क्या बोल रहा हूँ प्लीज अच्छे से ध्यान देना बच्चों में जो भी बोल रहा हूँ ना सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करना मैं आपको वापस बोल रहा आपको हंड्रेड परसेंट समझेगा बट पर इतना बोल सकता कि आने वाले टाइम में वहां पे आपको परसेंट तो डेफिनेटली समझ में आएगा आपको ध्यान में आए क्योंकि कैसा है दोस्तों देखो मैं पे आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से सब नहीं पढ़ा सकता हूँ कुछ चीजें यहां आपको ये समझाने के लिए मुझे कुछ अलग चीजें पढ़ानी पड़ेगी तो ऐसे घूम घूम के घूम घूम के जब अपना पांचवा दसवा आठवा दिन आएगा ना तब तो आप बोलेंगे अभी सब में आ रहे। ध्यान में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ये मेरी तुमको गारंटी बेटा तुम लोगों को सब समझ में आएगा अकाउंट्स ये मेरी तुमको प्रॉमिस है सिर्फ तुरंत आएगा कि नहीं वो मैंने बोल सकता अरे समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ गधो अगर समझा तो तो बोलो कम से कम ठीक है मत बोलो जान दो इतना क्लियर है डेबिट बढ़ा तो डेबिट करो डेबिट कम हुआ तो क्रेडिट करो ठीक है समझा क्या नहीं समझा इतना ओके तो देखो उन्होंने वहां पे वही लिखा है अभी समझा आपको क्यों लिखा है क्यों लिखा वो समझा क्या hmm. क्यों लिखा वो समझ में आया क्या इतना क्या फिर मैंने यहाँ पे क्या गाया इतना समझ में आया क्या नहीं आया मैं आपको क्या बोल रहा हूं हा न सर तो बोलो ना वैसा जब तक बोलोगे नहीं तब तक कैसे समझेगा मैं क्या अंतर यामी क्या कि तुम लोगों को सब मतलब सब समझ में आएगा मुझे हाँ बोलना पड़ेगा आपको हाँ सर झेप करके ठीक है चलो नेक्स्ट देखो वापस नहीं समझे तो फिर आप ही लोग मुझे गालियां दोगे हाँ हम्म चलो सुनो अभी देखो दोस्तों हम लोगों को आपे ना प्लीज अच्छे से ध्यान देना मजाक मस्ती मत करना इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है देखो दोस्तों जब भी वहां पे मुझे किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जब भी वहां पे मुझे रिकॉर्ड करना होगा ना जब भी वहां पे मुझे क्या करना होगा बोलो रिकॉर्ड करना होगा ना तो वो टाइम पे वहां पे मेरे पास दो सिस्टम होती है किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास कितने सिस्टम होते हैं मुझे बोलो दो सिस्टम होगी ठीक है उसमें से पहले वाली जो सिस्टम रहेगी ना उसको अपन वहां पे बोलेंगे इंडियन सिस्टम कौन सी बोलेंगे मुझे बोलो इंडियन इंडियन सिस्टम ठीक है और दूसरी वाली जो सिस्टम रहती है ना उसको अपन वहां पे बोलते इंग्लिश सिस्टम पहला कौन सा होता है मुझे बोलो इंडियन सिस्टम दूसरा कौन सा होता है मुझे बोलो इंग्लिश सिस्टम अरे इतना समझ में आया क्या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के कितने मेथड से दो. दो पहला कौन सा इंडियन दूसरा कौन सा इंग्लिश समझा क्या और इंग्लिश में दो है पहला है तुम्हारा सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा कौन सा है तुम्हारा डबल एंट्री सिस्टम ध्यान में आया कि मैंने मैं आपको क्या बोला मैंने आपको क्या बोला देखो इंग्लिश सिस्टम में मेंटेन करने के लिए वहां पे कितनी चीजें मुझे बोलो पहला कौन सा है तुम्हारा सिंगल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड कौन सा है मुझे वहाँ पे बोले से डबल एंट्री सिस्टम ध्यान में आया कि नहीं आया मुझे बोलो यस और नो ठीक है तो अभी ध्यान दो सुनो मेरी बात अभी देखो अपन पहले आप बात करेंगे इंडिया मतलब इंडियन सिस्टम के बारे में किस के बारे में बात करेंगे बोलो इंडियन सिस्टम के बारे में वहां पे अपन बात करेंगे ठीक है प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ प्लीज अच्छे से ध्यान दो ठीक है देखो दोस्तों ये जो इंडियन सिस्टम है ना बेटा तो इंडियन सिस्टम में अभी मुझे एक बात बोलो इंडिया में वहां पे बहुत सारे स्टेट्स है क्या नहीं मुझे बोलो हाँ सर बहुत सारे स्टेट है हर एक स्टेट के हर एक स्टेट में जो लैंग्वेज यूज होता है जैसे फॉर अपन एक्साम्पल बहाराष्ट्र मे राहतो बरोबर है का नहीं तो महाराष्ट्र मे अपन तिकती भाषा वापर तो मैं संगा मराठी भाषा का सोर नो तो मैं अगर मैं गुजराती अगर मैं गुजरात में जाऊ वहां पे है ना तो फिर वहां पे मैं कौन सी यूज करूंगा बोलो कौन सी लैंग्वेज को यूज करूंगा बोलो तो उधर में वहाँ पे गुजराती लैंग्वेज को यूज करूंगा बरोबर है क्या मुझे बोले सर नो अरे ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को ठीक है તઈ ઇંબેર ઉ ગુજરાતી ભાષા વાપરીસ તમે સમજુ કે તમે શું કહી રહ્યો છું ઓકે અગર હું ગુજરાતમાં રહીશ ને તો તઈ હું કонતી ભાષા વાપરીશ કે તમે મને જલ્દી હું તઈ ગુજરાતી ભાષા વાપરી સમજુ કે અગર મેં આપે સમજો રાજસ્થાન મે રહે રહો તો વોટે મે મારવાડી ભાષા વાપરુ લહકટે મા આપે રાજસ્થાન મે તને સમજો કે મે તને કઈ કહી રહ્યો ઓકે રાજસ્થાન મે મા કонસી ભાષા વાપરા વોટે મે આપે મારવાડી ભાષા વાપરા આપકો સમજ મે આય કે મે ક્યા બોલ રહો ઠીક હે तो मुझे आपको ये बोलना है देखो दोस्तों कि अपने आप है ना बहुत सारी लैंग्वेजेस है बरोबर तो इंडियन सिस्टम में वहां पे क्या होगा पता है क्या कि जो भी वो उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे ना तो वो आप गुजराती लैंग्वेज में भी करेंगे या वो मराठी भाषा में भी करेंगे या वो हिंदी में भी करेंगे या कौन सी भाषा में करेंगे आपको समझा मैंने क्या बोला तो यहाँ पे हमेशा रखना दोस्तों कि ये जो भी अपन अपने लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना उसको अपन बोलते महाजनी देशी नामा सिस्टम देशी मतलब वो वाला देशी नहीं है ये अलग देशी है ठीक है ये कौन सा है मुझे बोलो महाजनी देशी नामा सिस्टम है कौन सा सिस्टम मुझे बोले यहाँ पे महाजनी देशी नामा सिस्टम बोलते ठीक है ना हर एक लैंग्वेज के हिसाब से या हर एक स्टेट के हिसाब से उधर की लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना

ऐसा कोई है क्या मुझे बोले दी से दोस्तों कि आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड वगैरह जो है ना थोड़ा सा वो ऐसा है मतलब क्या बोलते उसको जैसे अपन बिजनेस वाला फैमिली बैकग्राउंड है कुछ ऐसा है क्या मुझे बोले दी से फटक करके कुछ ऐसा है क्या मुझे बोले दी से वहां पे बिजनेस वाला है कोई बैकग्राउंड ऐसा बोले दी से यार अच्छा रोहिणी है ओके बहुत अच्छी बात है ठीक है तो सुनो मेरी बात देखो यार दोस्तों अगर आप लोगों ने वहां पे देखा होगा ना बच्चों तो कैसा होता है पता है क्या हम लोग है ना दीपावली के टाइम पे प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे इंपॉर्टेंट ठीक है ध्यान दो अच्छे से एक सेकेंड रुको मैं आपको बता रहा हूं एक सेकेंड रुको देखो यार मैं आपको बताता हूं वहां पर कि कैसे होता है पता है क्या दीपावली के वगैरह टाइम पे ना देखो हम लोग है ना ऐसे कुछ रेड कलर की एक बुक यूज करते हैं पता है आपको कभी देखा है आप लोगों ने दीपावली के वगैरह टाइम पे देखो ऐसे रेड कलर की एक बुक होती है जिसके ऊपर वहां पे देखो लक्ष्मी जी का एक फोटो होता है बरोबर देखो कुछ इस तरीके की बुक शायद आपको दिखती होगी यस और ना मुझे बोलो तो ये जो बुक होती है ना बेटा तो इसमें वहां पे क्या होता है सुनो इसके अंदर है ना वहां पे ऑलरेडी क्या होता है एक ऐसा फॉर्मेट बना के रखा हुआ रहता है देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या कुछ बुक वगैरह दिख रही है देखो आपको ये ध्यान में आएगा तो यहाँ पे ना ऐसे एक फॉर्मेट वगैरह बना के रखा हुआ है तो ऑलरेडी सारी चीजें इसके अंदर होती है ठीक है और ये जो बुक होती है ना इसको वहां पे अपन क्या बोलते हैं बोलो तो इसको वहां पे हम लोग बोलते हैं किर्द कौन सी बुक बोलते हैं मुझे बोले यहाँ पे किर्द बोलते हैं समझा क्या तो पहले के टाइम पे वहां पे कैसा है दोस्तों की हम लोग ऐसी लंबी सी बुक होती है तुम्हारी फुल स्केप का कैसे पेज ये होता है बुक कैसे होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है रेड कलर का बुक होता है आप देख लेना ठीक है तो पहले के जमाने में कैसा था ये इंडियन सिस्टम के हिसाब से इसको अपन वहां पे भाई खाता या कि बोलते थे और इसके अंदर वहां पे अपन क्या करते थे बोलो जो भी अपनी सारी चीजें जो भी अपन वहां पे बिजनेस का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे वो सब कुछ अपन रिकॉर्ड करते थे आपको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब अपना जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना वो अपना कहाँ पे होता था बोले किर्द नाम के बुक में होता था समझा क्या बट इतना याद रखना दोस्तों की ये जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है ना ये तुम्हारा डबल एंट्री करके जो है मैंने मैंने आप आपको आपको बोला 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 ना कुछ टाइम पहले कौन सा डबल एंट्री ऑफ़ अकाउंटिंग बोला, बोला। में जो करते जो भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करते तो वहां पर नहीं करते समझा क्या सिंगल एंट्री सिस्टम करके जो मेथड होता है उसको यूज करते ठीक है तो इसलिए दोस्तों कैसा है पता है कि ये इंडियन सिस्टम वहां पे ये साइंटिफिक मेथड माना नहीं जाता है क्या बोला मैंने आपको इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम जो है ये साइंटिफिक मेथड है क्या मुझे बोलो नहीं है बोला समझा क्या नहीं समझा ध्यान में आ रहा है क्या मुझे बताओ तो हमेशा याद रखना सुनो मेरी बात दोस्तों कि ये जो आज भी देखो जो भी छोटे छोटे दुकानदार वगैरह है ना जैसे ग्रोसरी शॉप वाले अगर आप देखोगे छोटे छोटे या मान लो कोई अगर जिसका कोई वड़ा पाव का थैला है जो छोटे लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं ठीक है तो वो आज भी आपे ये सिस्टम को आपे मेंटेन करते हैं यही सिस्टम को यूज करते हैं बट ये साइंटिफिक वे ऑफ सिस्टम या साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग वहां पर नहीं होता है बोलो समझा कि इतना आप लोगों को पक्का क्लियर है क्या मुझे बोलो ठीक है तो आप लोगों को ये इंडियन सिस्टम समझ में आया पक्का इंडियन सिस्टम मतलब मैंने आपको क्या बोला प्लीज एक बार सब लोग अच्छे से ध्यान दो बच्चों हमको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है इंडियन सिस्टम में वहां पे क्या होगा तो अपन वहां पे इंडियन लैंग्वेज जो है जैसे हर एक स्टेट का दीपर, दीपर होगा ना जैसे महाराष्ट्र में मराठी होगा हिंदी लैंग्वेज है गुजरात गुजराती लैंग्वेज है फिर मलयालम लैंग्वेज जो भी अलग अलग लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में वहां पे वो रिकॉर्ड करेंगे ठीक है उसको अपन इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं बोलो समझा क्या नहीं समझा पक्का क्लियर है मुझे बोलो ठीक है ओके अभी देखो दोस्तों

सिंगल एंट्री सिस्टम वाला है, पहले वाला मेथड रहेगा ठीक है और जो सेकंड वाला मेथड रहेगा ना वो अपना वहां पे रहेगा डबल एंट्री सिस्टम कौन सा रहेगा मुझे बोलो सेकंड वाला मेथड अपना डबल एंट्री सिस्टम रहेगा समझ में आया पहले वाला मेथड कौन सा सिंगल एंट्री सिस्टम दूसरे वाला मेथड कौन सा डबल एंट्री सिस्टम इतना समझ में आया मैंने आपको क्या बोला यस और मुझे बताओ जल्दी से ठीक है अभी ध्यान दो देखो दोस्तों मैंने आपको वहां पे क्या बोला रे कि देखो हम लोगों को जब भी अकाउंटिंग करना होता है ध्यान देना प्लीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ कर रहा हूं अच्छे से ध्यान दोगे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा अगर ध्यान नहीं दोगे बच्चों तो कुछ नहीं समझेगा ठीक है तो अगर आपको लगता है आपको आने वाले 11th में और साथ साथ में पूरे कॉमर्स में अगर आपको वहां पे आपका एक रुतवा जमा के रखना है तो आप लोगों को पहले इलेवंथ में आप थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको समझा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है या ये प्रॉब्लम है कि वो इलेवन स्टैंडर्ड को सिंसियरली करते ही नहीं है बट मैं आपको बोलता हूं अगर आपको लगता है कि आपके कॉमर्स के जो जीवन है आपका आने वाला जो आपका पूरा करियर है जो आप कॉमर्स में करना चाहते हो अगर आपको लगता है वहां पे आपको नंबर वन रहना है तो आप लोगों को इलेवंथ स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ये आपको मैं बोल रहा हूं आपको समझा मैंने क्या बोला इलेवंथ आया तो आगे सब आएगा इलेवंथ नहीं आया तो प्रॉब्लम आएगा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा फिर मैं सच में बोल रहा हूँ प्लीज बाकी के बच्चों जैसा गलती मत करना जैसे टेंथ स्टैंडर्ड से नाइन्थ स्टैंडर्ड डिफिकल्ट होता है वैसे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से इलेवंथ स्टैंडर्ड डिफिकल्ट है जो आपको ये सच कोई नहीं बताएगा क्योंकि कोई भी आपको वहाँ पर उतना सिंसियरली पढ़ाना ही नहीं चाहता है आप समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बच्चों को ऐसा लगता है इलेवन मतलब कॉलेज में गए नहीं बेटा आप गलत वे में हो आप बहुत गलत वे में हो पहले आप थोड़ा सा जगह पे आ जाओ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बात समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अगर ये नहीं आया तो आपको आवे पांच हजार रुपया भी कोई नहीं देगा जॉब के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं आप देखोगे एम कॉम होने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी उनको जर्नल एंट्री नहीं करते आती इंटरव्यू में उनको दस हजार रुपया का भी जॉब नहीं मिलता ऐसे कई एग्जाम्पल है मेरे सामने हाँ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या क्योंकि उनको ये ठीक नहीं है तो बिना बेसिक्स का थोड़ी ना अभी कॉम होने वाले इंसान को क्या वो ये बताते बैठेगा कि अकाउंट कौन सा इन क्या है क्या कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट नहीं भैया ये इधर आपको अच्छा करना पड़ेगा यानी इतना कर लिया ना इलेवंथ का आपको सिर्फ ये भी समझा ना जर्नल एंट्री तो भी आपको अकाउंटेंट का जॉब मिल जाएगा कम से कम बीस से पच्चीस हजार का आपको झूठ लगेगा लेकिन देखना आप समझ में है मैं क्या बोल रहा हूँ तो प्लीज ये चीज को सिंसियरली पढ़ाई करो जो बोल रहा ना भैया बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ तो कैसा इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं दिल से सारी चीजें पढ़ेंगे करके ठीक है ध्यान में आया ना पक्का देखो मैं तो आपको पढ़ाते रहूंगा पढ़ने का है क्या नहीं पढ़ने का वो आपका डिसीजन है आपको समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ सिंसियरली पढ़ाई करने का है कैसे टैं टंगा मंगा टंगा मंगा करते रहने का वो आपका खुद का डिसीजन है उसमें मैं कुछ आपको इंटरफेयर नहीं करूंगा मेरा काम आपको पढ़ाना है मैं पढ़ाते रहूंगा बट आप लोग कहीं ना कहीं पे अंदर एक वॉइस आना चाहिए आपके कि यार सर इतने सुबह रोज हमको डेडिकेटेडली पढ़ा रहे कंसिस्टेंटली पढ़ा रहे ऐसा नहीं कि एक दिन लिया चार दिन नहीं लिया रोज लेक्चर ले रहा हूँ आपका मैं तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता ना यार कि आप लोग अच्छे से बस घर पे जाके पढ़ाई करो इससे ज्यादा क्या मांग रहा वो आपको मैं इससे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी मेरा तो सब हो गया जो होना था बराबर है क्या गलत है राइट right? तो प्लीज सिंसियरली पढ़ाई करो ठीक है देखो मैं क्या बोल रहा हूं सुनो तो जो भी आपका अकाउंटिंग है बरोबर तो अकाउंटिंग में वहां पे अपने पास कितने अप्रोच होते हैं मुझे बोलो दो पहला ट्रेडिशनल दूसरा मॉडर्न बरोबर अभी ध्यान दो सुनो मेरी बात तो मैंने आपको वहां पे क्या बोला कि जब भी मैं वहां पे आप सभी लोगों के साथ ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूंगा बरोबर तो ट्रेडिशनल अप्रोच में वहां पे तुम्हारा जो आइटम है एक तो वो तुम्हारा क्या रहेगा सब लोग चलो जल्दी जल्दी मुझे रिस्पॉन्स करो चैट सेक्शन में ठीक है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से एक तो वो तुम्हारा क्या रहेगा रियल अकाउंट रहेगा या क्या रहेगा मुझे बोलो पर्सनल अकाउंट रहेगा या क्या रहेगा मुझे बोलो नॉमिनल अकाउंट रहेगा आपको समझ में आया मैंने क्या बोला ध्यान में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे बताओ जल्दी से यस और नो तो अभी देखो ध्यान देना बच्चों प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं तो मुझे एक बात देखो आप लोग वहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच का कर यूज करके अकाउंटिंग करो या मॉडर्न अप्रोच को यूज करके अकाउंटिंग करो सुनो मेरी बात आप लोग वहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करके अकाउंटिंग करो या मॉडर्न अप्रोच को यूज करके अकाउंटिंग करो आप मेथड वहां पे कोई भी यूज करो आप पहली बात ये समझ लो ये दोनों मेथड जो है ना बेटा ये आपका वहां पे साइंटिफिक मेथड है प्लीज ये समझ लो मैं आपको क्या बोल रहा हूं ठीक है प्लीज अच्छे से ध्यान देना गदर जैसे मत करना अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि वहां पे आप जब भी अकाउंटिंग करोगे तो वहां पे आपके पास कितने मेथड से दो मेथड से अकाउंटिंग करने के बोल रहा है मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड करने के मेथड अलग चीज है पहले ये समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के मेथड अलग है जो इंडियन सिस्टम यानी इंग्लिश सिस्टम है, है समझा क्या लेकिन जब भी आपको नॉर्मल अकाउंटिंग करना है उसके मेथड अलग है जो कौन से अप्रोच है, है? What are, what are आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ यार मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों का अरे ढोक लो ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो मेरी बात अच्छे से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे अगर आपको यह पूछा जाता है भैया कि वहां पे तुम्हारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को किसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के कौन से मेथड से तो वहां पे आप लोग लिखोगे इंडियन सिस्टम और दूसरा कौन सा इंग्लिश सिस्टम आपको समझा कि मैंने क्या बोला क्लियर yes. है क्या पक्का लेकिन जब आपको मैं अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने की बात कर रहा हूं तो वो केस में तुम्हारे दो अप्रोच रहेंगे कौन सा पहला ट्रेडिशनल अप्रोच दूसरा कौन सा मॉडर्न अप्रोच बोलो समझ में आया क्या और ध्यान में आया क्या बोलो दोनों अच्छे है बेटा अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है क्लियर है क्या मुझे बताओ ध्यान में आया क्या अप, मैं आपको वहां पर अकाउंटिंग सिखाते टाइम दोनों मेथड से सिखाऊंगा मैं आपको वहां पर ट्रेडिशनल अप्रोच से भी सिखाऊंगा और मॉडर्न अप्रोच से भी सिखाऊंगा ठीक है और वहां पे आपको करना कौन सा है जो आपको अच्छा लगता है अभी देखो एग्जाम में अगर उन्होंने तुमको ट्रेडिशनल से ही पूछा तो आपको अच्छा क्या लगता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा बेटा आपको समझा मैंने क्या बोला अगर वो एग्जाम में बोल रहा है ट्रेडिशनल से ही करना है करके तो तुम बोलेंगे नहीं नहीं मैं मॉडर्न से करूंगा वो बोलेंगे कर मैं तेरे को जीरो मार दे दूंगा सिंपल बात है ना तो आप लोगों को पहले एग्जामिनर की चाहत देखनी पड़ेगी उसको चाहिए क्या ये तो गलत है ये गलत नहीं बेटा ये सही है ठीक है क्योंकि एज ए एग्जामिनर करके वो एक्सपेक्ट करेंगे आपके आपको दोनों मेथड्स वहां पे आनी चाहिए बात समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ ध्यान में आ रहा है क्या नहीं इंसान को पता सब होना चाहिए बेटा ठीक है तो पहला कौन सा अप्रोच है मुझे बोले यहाँ पे अपना ट्रेडिशनल नहीं गाउठी ट्रेडिशनल कौन सा गाउठी. ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच ठीक है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जो भी आइटम तो है एक तो तुम्हारा क्या रहेगा सदा सर्वदा चेहरा है सा नहीं अरे बोलो बाबा जल्दी से एक तो तुम्हारा क्या रहेगा ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट या क्या रहेगा पर्सनल अकाउंट अकाउंट या क्या रहेगा समझ लगा तुम्हारा ध्यान सब, सब में आ रहा है मैं क्या मैं बोल रहा हूं? हाँ. तो देखो एक बात समझ लो लो अभी अगर अपन मान ये तीनों चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं ना मतलब अपन वहां पे हंड्रेड बराबर अकाउंटिंग कर रहे आपको समझा के मैंने क्या बोला दुनिया में जो भी आइटम है वो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से तो रियल रहेगा पर्सनल रहेगा नॉमिनल रहेगा तो हम लोगों को वहां पे अगर तीनों के तीनों रिकॉर्ड किया मतलब वी आर रिकॉर्डिंग 100 परसेंट ट्रांजेक्शन आपको समझा मैंने क्या बोला तो 100 परसेंट अगर अपन वहां पे रिकॉर्ड करेंगे तो वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी क्या नहीं बोलो यस एकदम एक्यूरेट रहेगा पीरियड मतलब एकदम साइंटिफिक तरीके से तुम वहां पे क्या कर रहे हो मुझे बोलो अकाउंटिंग कर रहे हो आपको समझा क्या मैंने क्या बोला क्लियर है क्या मुझे बोलो इतना झेप है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं तो क्या मैं ऐसे बोलू क्या रे कि अगर वहां पे आप समझो ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर अकाउंटिंग कर रहे हो अगर मैं ऐसे बोलू कि आप लोग वहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर अकाउंटिंग कर रहे हो तो वो केस में वहां पे आपने ये नहीं देखना चाहिए कि ये आइटम रियल है क्या यह आइटम नॉमिनल है, है? रियल पर्सन नॉमिनल तीनों को वहां पे अपने रिकॉर्ड करना चाहिए बात सही क्या गलत है मुझे बोलो बात तो एकदम सही कर रहे हैं सर आप इतना समझा क्या तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ ठीक है अभी पे आ जाओ तुमको ध्यान में आएगा मैं क्या बड़बड़ कर रहा था ठीक है सुनो मेरी बात देखो दोस्तों ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ना सिंगल एंट्री तो ये सिस्टम में वहां अपन सिर्फ और सिर्फ जो कैश ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन और जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन

और हमारे जो नॉमिनल वाली चीज है उसको भी मैंने रिकॉर्ड करना चाहिए था समझ में आया क्या नहीं आया मुझे बोलो यस और नो लेकिन मैं वहां पर सिंगल एंट्री के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पर्सनल को ही रेकॉर्ड कर रहा बाबा सिर्फ किसको रिकॉर्ड कर रहा बोले यहाँ पे मैं पर्सनल को ही रिकॉर्ड कर रहा या सिर्फ और सिर्फ मैं कैश को ही रिकॉर्ड कर रहा मतलब क्या मैं बोलूँ क्या यहाँ पे मैं सब कुछ वो जो मैंने रिकॉर्ड करना चाहिए था वो नहीं कर रहा अरे क्या पूछ रहा हूँ भाई मैं आप? आपको ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने आपको क्या बोला ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे रियल पर्सन नॉमिनल तीनों करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए लेकिन सिंगल एंट्री क्या बोल रहा अरे सिंगल एंट्री क्या बोल रहा सिर्फ कैश बुक यानी पर्सनल कर रहा है वो बाकी के कर रहा है क्या नहीं कर रहा ना तो जो भी बाकी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा है बच्चों तो मुझे एक बात बोलो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा क्या फिर नहीं कर रहा और अगर सब कुछ रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारे कुछ काम का है के मुझे बोलो मुझे बोले ये कुछ हमारा काम का है के मुझे बोलो अरे राज भैया तेरी तू जब शादी करेगा तेरी बीवी सिर्फ दिन भर मेकअप करते बैठेगी बेटा तेरे वहां पे कोई खाना नहीं बनाएगी तेरे लिए ना कोई काम धंधे करेगी सिर्फ दिन भर सोई ही रहेंगी उठने के बाद लिपस्टिक लगा के बैठेगी तो मुझे एक बात बोल वैसी बीवी कुछ काम की गए तेरे लिए नहीं है तो उसी तरीके से यहाँ पे रियल अकाउंट के अंदर मतलब जो अपना सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर वहां पे वो सिर्फ क्या कर रहा है वो सिर्फ वहां पे तुम्हारा कैश ट्रांजेक्शन पर्सनल ट्रांजेक्शन ही कर रहा है ना समझा कि इसलिए हमारा अनसाइंटिफिक मेथड है कौन सा मेथड है? है इसको अपन बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है कौन सा है बोलो इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है बोलो समझा क्या नहीं समझा क्लियर है क्या भगवान करे राज बेटा तुझे ऐसी बीवी ना मिले ठीक है समझ में आए ना जो दिन भर क्या लगा है बोलो आपे लिपस्टिक लगा है क्या लगा है लिपस्टिक लगा है ठीक है आज मैंने एक बहुत फनी वीडियो देखा बेटा सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे रील्स पे कौन सा पता है क्या वो जो अपनी है ना कौन रहे नहीं है। है। नहीं सुना ना वो नहीं क्या एकदम देखो एक वो दीपक कलाल की गर्लफ्रेंड थी वो देखो वो क्या राखी सावंत ना हाँ राखी सावंत का मैंने वीडियो देखा आज वो क्या कर रही थी पता है क्या टमाटर का झाड़ लगा रही थी उसने कैसे लगाया पता है क्या जो गोल गोल टमाटर है ना वो डाले उसके ऊपर उसने वहां पे कोथिमबीर का ये लगाया उसने मतलब नीचे उसने एक ये लिया था वो क्या बोलते हैं यार उसको जिसमें मिट्टी रही थी कुंडी बोलते हैं अपन उसको बराबर ना उसने वो कुंडी लिया उसके अंदर उसने टमाटर डाले यानी उसके ऊपर मिट्टी डाली यानी ऊपर उसने दूसरा तो मतलब उसके ऊपर उसने जो गुलाब का रोपटा रहता है ना वो लगा दिया नीचे टमाटर डाले बीच में मिट्टी डाली न, फिर गुलाब का रोपटा या वो दुकानदार को पूछ रहे हाँ इसके टमाटर कब आएंगे दुकानदार भी बोल रहा है दस दिन में आएंगे आपको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ इतने तो भयानक लोग है अपने यहाँ पे देखो सही क्या गलत है नहीं आप करके देखो ना डालो आग, लो लो टमाटर डालो वापस लो, वापस गुलाब का झाड़ लगाओ अरे इसे क्या टमाटर आएंगे ढोक लो इतना तो आपको भी समझता ना हाँ देखो ऐसे ऐसे लोग मुझे मिलते सुबह सुबह देखो इसलिए मैं इंस्टाग्राम खोलता ही नहीं लेकिन आज खोला तो दिख गए उसमें राखी सावन कॉलिंग क्या बोलने का आपको मेरी जिंदगी कैसे चल रही है इतना जिंदगी खराब चल के भी आप लोगों को मैं इतना इतना अच्छा रहा हूं तो 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 भी आपको आपको कदर नहीं उसकी जाने तो जय श्री राम है ना अपन आगे जाते बाबा छोड़ो देखो तो देखो समझ में आया क्या सिंगल एंट्री सिस्टम ध्यान में आया सिंगल एंट्री मतलब सब कुछ क्या बोलो नहीं सिर्फ कैश बुक आनी ये तुमको एमसीक्यू में आएगा भला क्या इन द केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ध्यान दो आपको एमसीक्यू में आएगा इन द केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम only cash book and personal transactions are recorded true or false क्या बोल रहा हूं मैं इन द केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली कैश बुक एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ट्रू और फॉल्स मुझे बोल हिंदी से एकदम ट्रू एकदम ट्रू एकदम ट्रू बोलो समझा के नहीं समझा बहुत अच्छी बात है ठीक है कुछ दिखा तो दिखा राकेश हाँ ना यार यार कभी तो भी मैं सोचा इंस्टाग्राम पे देख लेता हूँ कुछ है क्या नहीं मैंने पंद्रह दिन पहले देखा था तो वो उसमें आया था तेरे लिए क्या चांद तारे तोड़ लाऊंगा कुछ तो भी था ना वो गाना तेरे वास्ते में चांद तारे तोड़ वास वो कुछ तो है ना वैसा वो, वो दिखा था तब से मैंने इंस्टाग्राम देखना ही बंद कर दिया तो आज गलती से मैंने खोल दिया और उसमें भी मुझे दिख गई राखी सावन देखो क्या जिंदगी है देखो मेरी दिख दिख के कियारा दिखी रही थी तो दिन तो भी बन गया रहता बाबा छोड़ा जाने दो चलो तो आगे देखो छोड़ो हाँ खुद का ही शॉर्ट देखूंगा कल से मैं ठीक है हाँ नहीं तो क्या देखो सुना मेरी बात अभी देखो बिकॉज इट चेंजेस विद द द कन्वीनियंस ऑफ बिजनेस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन सुटेबल अभी सुना मेरी बात ये बड़ा दरिंदर चीज बोल रहा है यहाँ पे हमको इसने जो बोला है ना बेटा मैं इसको बिल्कुल ये चीज पसंद ही नहीं है मुझे उसने जो बोला उसका इंटेंशन बड़ा वाहिया लगा मुझे क्या समझ लो मुझे एक बात बोलो, सुना मेरी बात, राइट? मुझे एक बात बोलो मेरी राइट मुझे ठीक है नहीं नहीं तो मैं, मैं सच में चले जाऊंगा सब ये मोह माया को छोड़ के अगर आपने नहीं बोला तो ठीक है मुझे एक बात बोलो मैंने वहां पे आपको फाइनेंशियल पोजिशन करके एक वर्ड सिखाया था कह रहे मुझे बोलो क्या मैंने वहां पे आपको फाइनेंशियल पोजीशन नाम का वर्ड सिखाया था क्या इसका आंसर आप एक तो यस बोलोगे या नो बोलोगे जल्दी से मुझे बोलो क्या मैंने वहां पे आपको फाइनेंशियल पोजीशन नाम का कुछ ऐसा सिखाया था क्या हाँ सर सिखाया था मैंने वहां पे आपको क्या बोला था फाइनेंशियल पोजिशन हमको किससे पता चलती बोलो हमारे पास जितने भी क्या है एसेट्स है या हमारे पास जितने भी क्या है लाइबिलिटीज है इससे मुझे वहां पे क्या पता चलती बोलो हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन पता चलेगा बस यही क्या गलत है तो अभी देखो हमेशा रखना दोस्तों एसेट जो होते हैं ना एसेट्स प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं जो अपने एसेट्स होते हैं ना बेटा ये एसेट मतलब हमेशा अपने वहां पे होते हैं दोस्तों रियल अकाउंट एसेट हमेशा क्या होता है बोलो yeah. रियल अकाउंट होता है अभी इतना दिमाग में रखो मैं जो बोल रहा हूं एसेट्स क्या होते हैं मुझे बोलो रियल अकाउंट होते हैं समझा इतना क्लियर है क्या है, मुझे बोलो अभी मुझे एक बात बोलो कि जब भी मैं वहां पे तुम्हारा सिंगल एंट्री सिस्टम से कौन से सिस्टम से मुझे बोलो सिंगल एंट्री सिस्टम से सिंगल एंट्री सिस्टम से जब भी वहां पे मैं तुम लोगों का अकाउंटिंग कर रहा हूं बरोबर है क्या तो यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ कैश बुक के एंड पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा कैश बुक पर्सनल को कर रहा मतलब में यहां पे मतलब में यहां पे मतलब में यहां पे रियल एंड नॉमिनल को कर रहा क्या मुझे बोलो सिंगल एंट्री में रियल एंड नॉमिनल को रिकॉर्ड कर रहा क्या नहीं कर रहा

अरे समझा क्या नहीं समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूं भैया क्लियर है क्या बताओ तो देखो यहाँ पे अपन एसेट्स रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे इसलिए पे अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन जो हमको पता चलेगा क्या बोलो नहीं, नहीं चलेगा बोलो समझा क्या नहीं समझा इतना पक्का क्लियर है क्या मुझे बोलो अगर इतना झेप है तो यस बोलोगे आप लोग क्या बोलोगे यस बोलोगे बोलो डन बोलो क्या आगे जाओ ठीक है अभी देखो अभी देखो दोस्तों अभी ये आ गई अपनी वाली ये कौन आ गई बोलो अपनी वाली तुमको जैसी चाहिए वैसी आ गई देखो दोस्तों इसमें सारे गुण संपन्न वाली चीज है कौन बोलो डबल एंट्री सिस्टम ठीक है अभी देखो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलती पता है क्या कि तुम मुझे है ना वहां पे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बोलो या तुम मुझे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बोलो ठीक है चाहे तुम वहां पे साड़ी पहन के मेरे सामने आओ या मुझे बुलाओ या जाने दो यारिव शिव शिव ठीक है ओ, मत बोलो सुनो मेरी बात ओम नमः शिवाय ठीक है सुना मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ मैं आपको यह बोल रहा हूं अपने पास आपे कितनी चीजें होती है दो चीज एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच दूसरा कौन सा बोलो मॉडर्न अप्रोच बराबर है क्या तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना बेटा ये सर्वगुण संपन्न है आपको समझा के मैं क्या बोल रहा हूं मतलब ये तुम्हारा मोस्ट साइंटिफिक मेथड है ये क्या बोल रहा है कि अगर तुम मुझे वहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अगर देखोगे ना तो वहां पे मैं रियल अकाउंट को भी ले संभाल लूंगी वहां पे मैं पर्सनल अकाउंट को भी संभाल लूंगी वहां पे मैं नॉमिनल अकाउंट को भी संभाल लूंगी आपको समझा के मैंने क्या बोला तो मुझे एक बात बोल दो अगर वो सब कुछ संभाल रहे बेटा तो इससे साइंटिफिक कुछ हो सकता है क्या मुझे बोलो वहां पे मैंने उसको बोला देख तू जब भी वहां पे बोलेगी ना तो वहां पे तुझे दो एस्पेक्ट से करना पड़ेगा वो बोली वो भी करूंगी एक अकाउंट को डेबिट करूंगी दूसरे को क्रेडिट करूंगी आप जैसे बोलो वैसे करूंगी बोलो समझा क्या नहीं समझा hmm. तो कैसा है पता है क्या डबल एंट्री सिस्टम वहां पे ट्रेडिशनल अप्रोच से भी यूज होता है और मॉडर्न अप्रोच से भी यूज होता है और इसमें तुम्हारे अगर ट्रेडिशनल अप्रोच के रियल पर्सन नॉमिनल सब होता है मॉडर्न अप्रोच के सबसे इनकम एक्सपेंडिचर कैपिटल वो भी होता है समझ में आया कि मैं तुमको क्या बोल रहा हूं इसलिए दोस्तों ये ये जो मेथड है ना तुम्हारा तुम्हारा साइंटिफिक मेथड है बच्चों कैसा मेथड मेथड है है मुझे पे साइंटिफिक समझा क्या और हमेशा याद रखना कि पे हर एक जो तुम्हारा अकाउंट रहेगा उसके मतलब हर एक जो रहे उसके तुम्हारे दो इफेक्ट्स रहेंगे कितने रहेंगे अरे टू फर्स्ट इफेक्ट साइड समझ में आया क्या तो यहाँ पे तुम्हारा टू फोल्डी पेक में क्या होगा हमेशा रखना दोस्तों देखो डेबिट एंड क्रेडिट का हमेशा इक्वल अमाउंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए मुझे बोलो इक्वल अमाउंट होना चाहिए बोलो समझा क्या नहीं समझा नहीं। इतना क्लियर है क्या मुझे बोलो चलो जल्दी से फटाक करके अरे बोलो दोस्तों फटाक करके ठीक है तो मैंने आज आपको कौन सा चैप्टर चालू किया मुझे बोलो सेकेंड वाला जिसका क्या नाम है मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग उसमें कौन से नाम का चिंटू का बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई किया लुका डी बार्गो पैसियोली कौन बोलो लुका डी बार्गो पैसियोली ठीक है इसने वहां पे कब लाया रे वो उसने ज्ञान कब दिया टेंथ नवंबर 1494 ओके तो ये दिन को अपन क्या बोलते इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कौन सा डे ये आपको कौन बनेगा करोड़पति में सात करोड़ को अगर पूछा तो आना चाहिए भला क्या ठीक है कौन सा इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे बोलेंगे समझा क्या फिर मैंने आपको क्या बोला अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के कितने मेथड्स दो पहला इंडियन दूसरा इंग्लिश इंडियन में इंडियन लैंग्वेज इंग्लिश में दो सिंगल डबल सिंगल में कैश बुक यानी कौन सा आएगा मुझे बोलो आपे कैश बुक यानी कौन सा आएगा सिंगल एंट्री बोलो वहां पे तुम्हारा आएगा पर्सनल डबल में सब कुछ पर एकदम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा आपको ध्यान में कि नहीं आया बोलो डबल एंट्री हमको ट्रेडिशनल अप्रोच से भी काम करवाने में हेल्प करती है और मॉडर्न अप्रोच से भी चलता है बोलो समझा क्या नहीं तो कैसा है बोलो मोवर ये कैसा है मुझे बोलो ये मोवर साइंटिफिक मेथड है कैसा है बोलो मोर साइंटिफिक है समझा क्या अभी सुनो वेरी बात ध्यान दो मुझे एक बात बोलो कि जब भी अपन ट्रेडिशनल चीजें करते तो रूल्स ज्यादा है क्या नहीं मुझे बोलो अरे जब भी अपन ट्रेडिशनल चीजें करेंगे बच्चों तो रूल्स रहेंगे क्या नहीं रहेंगे देखो ना पुराने जमाने कितने रूल्स है तो ये रूल्स अपने जीवन भर काम को आने रूल्स. इसको बोलते हैं गोल्डन रूल्स. रूल रूल्स कौन से रूल्स बोलते हैं बच्चों गोल्डन रूल्स कौन से रूल्स गोल्डन रूल्स समझा क्या नहीं समझा क्लियर है क्या मुझे बोलो ओके तो ये जो गोल्डन रूल्स वगैरह है ना दोस्तों वो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा इंडिया। इंडिया के अगले में इसको देख लेंगे बोलो समझा क्या हेलो सतीश भाई चलो डन आज का आपका काम क्या रहेगा बोलो आज आपको क्या काम रहेगा पहला आप लोगों को पे जो पहले वाला चैप्टर है उसका पूरा एक्सरसाइज करके आना है दूसरा आप सभी लोगों को पेज नंबर टू जीरो ट्वेंटी तक पूरा पढ़ के आना है ठीक है और, और एक काम है दोस्तों आप सभी लोगों को आपके जितने भी फ्रेंड्स है ईमानदारी से सारे फ्रेंड्स को आप लोगों को शेयर, शेयर कर देना है अपने वीडियोस को लाइक करने अगर अच्छा लगे चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब ऐसे दबा दबा के उस उसपे सब्सक्राइब करने का ठीक है समझा क्या और आपके जितने भी व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप्स रहेंगे व्हाट्सएप का स्टेटस वगैरह रख दो थोड़ा ठीक है नहीं थोड़ा शेयर कर दोगे तो आप थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी राइट चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों है तो ना मिलते हैं अपन अपने अगले वाले एपिसोड में ठीक है तब तक के लिए बाय बाय देन टाटा बाय बाय